शक्ति आपका नाम शक्ति है, लेकिन आपके जो एक नाम जो शक्ति और आपके वहाँ मतलब आप जब स्टेज पे होती हैं तो डांस के जो जज्बे बिखरते हैं तो भी एक अलग ही शक्ति थी, क्या कहना चाहिए? ये तो आपका ओपिनियन है और पापा ने ऐसा नाम दे दिया है भारी भरकम कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी शक्ति नाम दे के, तो अच्छा लगता है मुझको कि ये नाम से मुझे शक्ति मिलती है। और चारों बहनें संगीत और डांस में, कुछ खास कारण रहा आपके पेरेंट्स की रुचि रही इस चीज़ में? एक्चुअली बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि पेरेंट्स ने हमको डायरेक्शन दी, ये सिर्फ दीदी की चाह थी बचपन से कि ऐसा वो कुछ करें, तो उनको हम फॉलो करते रहे हमेशा। जब दीदी अगर सिंगिंग करती थी तो हम उनको उनके पीछे पीछे लग जाते थे, दीदी कहती डांस करो हम डांस करने लग जाते थे। तो सबसे अच्छी चीज़ पेरेंट्स ने वो करी कि हमें कभी रोका नहीं, उन्होंने कभी ये बोला नहीं कि ये मत करो ये सही नहीं है। तो आई थिंक वहाँ जो पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है दैट हैज़ मेड अस बिकम हु वी आर। रोज़ दुनिया बदल रही है, समय बदल रहा है, कपड़े बदल रहे हैं, फैशन बदलता है, और उसी तरह से डांस के फॉर्म्स बदलते हैं। और वो इसीलिए है क्योंकि इट इज़ एन इंडिविजुअल एक्सप्रेशन, जब आप डांस करते हैं तो ये मुझे अच्छा लगता है कि लोग नए नए डांस फॉर्म्स इनोवेट करते हैं क्योंकि कुछ नया देखने को मिलता है, एंड आई फील हैप्पी टू सी कि इतना ज़्यादा इनोवेशन है इस देश में। सेलिब्रिटी जब डांस चैलेंज देते हैं तो आपको लगता है कि वो काफ़ी लोगों को प्रेरित करता है? हाँ जी, हाँ जी करता है। पर उससे मतलब बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती, तो क्या ध्यान में रखना चाहिए जब डांस चैलेंज का कोई चैलेंज देता है? अब जब डांस चैलेंज जो ऑनलाइन होते हैं, हाँ वो तो किसी इंडिविजुअल के ऊपर है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप करिए, पर कोई फोर्स नहीं करता। शक्ति सपने की बात हो रही है, आपके डांस फोर्स से सपने जुड़े हैं, आपका कोई ऐसा सपना जो कंप्लीट हुआ है और आपका कोई ऐसा सपना जो आप पूरा करना चाहती हैं? हाँ मेरा सपना है कि मैं डांस का सीजन 4 जीत जाऊँ, और यही इस सीज़न मेरी इच्छा रहेगी कि मैं पूरा कर पाऊँ, और इस बार जितने भी कंटेस्टेंट्स मेरी टीम में आए मैं उनकी प्लस बनूं और उनको आगे लाइफ में आगे बढ़ाऊं। डांस के लिए क्या सपना है, क्या सोचा है कि लाइफ में डांस के लिए ये करना है? हाँ डांस के लिए मुझे हमारे देश के बच्चों को एक मैसेज देना है कि आप लोग ट्रेनिंग करिए, क्योंकि आप जब ट्रेन करते हो आप सीखते हो तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आपके अंदर आता है और आप एक आर्ट फॉर्म को बहुत सीरियसली लेते हो। तो उसके लिए मैंने अपना डांस स्टूडियो भी खोला है बॉम्बे में, एंड मैं इंकरेज करती हूँ बच्चों को कि सीखो, क्योंकि आपकी लाइफ स्पैन एज अ डांसर आप लिमिट कर देते हो अगर आप सीखते नहीं हो तो, क्योंकि आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हो, आपकी नीज एंड बैक एक करती है। जब आप ट्रेनिंग कर लेते हो तो आप बहुत लंबे टाइम तक 60-70 साल तक अच्छे से डांस कर सकते हो। तो यही मेरा मैसेज है कि आप लोग ट्रेनिंग करिए और डांस का सीजन 4 ज़रूर देखिए। फिर प्रेशर हम रोज़ के बेसिस पे लेते हैं, कुछ ना कुछ हमें बॉदर कर देता है लाइफ में, तो हमें अलाउ करना चाहिए कि हमें जो करने का मन है हम वो करें, और दूसरे जो चाहते हैं, जो दूसरों के एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे, वो उस पर ध्यान ना दें। आप जब डांस नहीं कर रहे थे तभी क्या करती? मैं जब डांस नहीं करती हूँ तब मैं अपनी बहनों से बातें करती हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि कुछ हम ट्रिप्स लें साथ में मज़े करें। यंग जनरेशन जिनको डांस की पैशन, उनको क्या सलाह दें? सब बच्चों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि स्टे फोकस्ड, किसी भी चीज़ से अफेक्ट होके गलत डायरेक्शन में आप मत जाइए, और अगर आपको डांस करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये ओवरनाइट नहीं होता है। कितने बच्चे थोड़ा टाइम करके कहते हैं इसमें तो कुछ हो नहीं रहा छोड़ दो इसको, तो ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें पूरे लाइफ टाइम लग जाती है सीखने में। तो अगर आपको ये सच्ची में डांस से प्यार है तो आपको वो कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी डांस को। थैंक यू। हाय हाय, सो टेल मी न्यू सीजन, हाउ एक्साइटेड आर यू अबाउट इट? Really looking forward to my energy in this season. I am actually here